Hello guys, welcome to my YouTube channel Teaching Education Hub. और आज हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है क्या नहीं होता. तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बात है सोशल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले आप सोशल डेवलपमेंट से समझते क्या है. सोशल किसके साथ रिलेट करता है. सोशल मीन्स सोसाइटी. स्पेलिंग भी आप देखें तो सेम है. सोशल मीन्स सोसाइटी. डेवलपमेंट मीन्स विकास. मतलब जो समाज में रहते हुए बच्चे का विकास होता है उसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट. देन इसमें कहा गया सोशल डेवलपमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन पीपल. इन्वेस्टिंग इन पीपल मीन्स जो सामने वाला पर्सन होता है उसमें इंटरेस्ट लेना, उसके बारे में जानना. और ये सब चीज़ें हो पाती है सिर्फ और सिर्फ हम समाज में रहते हैं जब. अगर जैसे हम समाज में निकलते हैं, हम तो लोगों से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि लोग कैसे हैं, हम उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या, इसे क्या कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, सोशल प्रोसेस अंडर विच द चाइल्ड लर्न्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस. मीन्स सोशल डेवलपमेंट एक सामाजिक प्रोसेस है जिसके अंदर एक बच्चा सीखता है कि जो समाज की जो धर्म है, परंपराएं हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी शिक्षाएं जो हैं, तो ये उनके बारे में वो जानता सीखता है. जैसे हम जब बाहर गए, जैसे हम जब पैदा होते तो हमें पता नहीं होता कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, या फिर समाज में हमें कैसे बात करनी चाहिए कैसे. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज में निकलता है तो वो जाके इन्हीं चीज़ों को सीखता है. वो सीखता है कि किस हमें किसे नमस्ते करनी है, कैसे करनी है, वो ऐसी चीज़ें वो सीखता है. देन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. ये क्या है, प्रोसेस है सामाजिक होने की. मतलब हम समाज में जाएंगे तो हम सामाजिक लोग हो जाएंगे. कैसे, जैसे कि एक बच्चा बाहर गया उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या क्या नहीं. हम उसे कहते हैं कि आप ये चीज़ करके ये चीज़ लेके आओ, तो वो लेके आता है, पहली बार ट्राई करता सीखता है, दूसरा उसको दोबारा खुद इंटरेस्ट होता है कि मैं लेके आऊँगा. तो क्या होता है, ऐसे वो लोगों से मिलता है, लोगों के बारे में जानता है, तो इंटरेस्ट दिखाता है कि उनके बारे में और जान गया. तो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है. नेक्स्ट है बाय सोशल डेवलपमेंट वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग. और इसका मतलब ये भी है कि जब सोशल डेवलपमेंट, उससे हम समझते हैं कि जो सामने वाले की क्या फीलिंग्स है क्या नहीं. अगर जैसे हमारे दोस्त हम उन्हें जानते हैं कि वो कब दुखी होता है, कब खुश होता है, उसको फील क्या कर रहा है क्या नहीं, तो हम उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे. देन डेफिनेशन क्या होती है. तो अकॉर्डिंग टू मिसेस हरलॉक सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स. मीन्स मिसेस हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या रहता है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपनी जो सोच समझ है वो अपने सामाजिक रिश्तेदारियों के अंदर दिखाना. जैसे हम जाते हैं सीखते हैं चीज़ों को तो उन्हें अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपने सोशल रिलेशन को भी अच्छे से बनाए. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पी एन शर्मा एंड श्री शास्त्री सोशल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज ए माइक्रो स्ट्रेटजी ऑफ प्लान्ड इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम टू कोप विद डिमांड ऑफ चेंज इन क्लोथ क्लोथ. मीन्स क्या है कि जैसे जैसे उस समय बदल रहा है, क्यों हो रहा है, तो वैसे जो सोशल रिलेशन है वो भी कमजोर होते, तो उन्हें इंक्रीज करना चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए, जानना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए. देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. सामाजिक विकास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है. तो हम सबसे पहले कहते हैं सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसूड. सही बात है, सोशल डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है तभी से. मीन्स जब बच्चा सबसे पहले किससे, अपनी मम्मी से इंटरेक्ट होता है. उसे दो साल तक ही नहीं पता चलता उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन, से कौन गोद में लेके घूम रहा है, कौन से दूध पिलाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, उसे नहीं जानता. जब वो दो साल होता है तो उसको सोच समझ आने लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि कौन क्या लगता है उसका. जैसे सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है, फिर वो अपनी दूध से फैमिली मेम्बर्स को पहचानता है. जैसे जैसे वो बड़ा होता है जैसे वैसे वैसे वो सभी को पहचानने लग जाता है. तो ये क्या है, तो सोशल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, उसके बचपन से ही, तो उसके जन्म लेते ही स्टार्ट हो जाता है सोशल डेवलपमेंट.
देन अ सोशल डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। सही बात है, सामाजिक विकास हमारा हर स्टेज में होता है, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे सामाजिक विकास हमारे अंदर होने लग जाता है। तो जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक ये सोशल डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, हम जब तक हमारे में सोशल डेवलपमेंट होता रहेगा, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द सोशल इन्वायरमेंट। ये सोशल समाज विकास क्यों है, समाज विकास किसका नतीजा है, हमारे बाहर समाज के जैसा वातावरण है उसका रिजल्ट है। हम बाहर जाते हैं, समझते हैं दूसरों को, दूसरों के एटीट्यूड को समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, उनकी क्वालिटीज को समझते हैं। तो ये क्या है, उसी का रिजल्ट है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। ये क्या मदद करवाता है, ये मदद करवाता है तो हमारी जो सोशल क्वालिटीज है, मतलब हमारे समाज में जो क्वालिटीज होंगी उन्हें डेवलप करवाता है, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, उनकी क्वालिटीज जो एक के अंदर है वो ओवर स्प्रेड कर सकता है अपनी। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन क्या है, डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने आप को जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। सोशल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट, द क्वालिटी द एंड द अमाउंट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे जैसे हम समाज में जाते हैं वो हमारे बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। हमारे जो एक्सपीरियंस है, जितना हमने साल जब तक एक्सपीरियंस किया उसको इंक्रीज करने के लिए, और ये सब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर को इफेक्ट करता है। हम बाहर जाएंगे, समझेंगे दूसरों को, वो हमारे अंदर भी क्वालिटीज लाएगा अंडरस्टैंडिंग की, बच्चा सोच समझने की क्षमता में हो जाएगा, वो देखते ही पहचान जाएगा कि उस आदमी के इमोशंस का क्या क्या है, वो इस टाइम क्या सोच रहा क्या नहीं, वो जाने पहचाने लग जाता है। तो ये था हमारा सोशल डेवलपमेंट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर मैंने कुछ गलत सम बताया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो।